हे गाइस व्हाट्सअप, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लाया हूँ जिससे आपका म्यूज़िक सुनने का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ लिया होगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्पीकर्स को कम्प्लीटली वायरलेस कैसे बना सकते हैं। हाँ गाइस, आप अपने किसी भी स्पीकर को कम्प्लीटली वायरलेस कैसे बना सकते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का जो हीरो है वो है ये है ब्लूटूथ एडाप्टर, या फिर आप लोग इसे ब्लूटूथ रिसीवर भी बोल सकते हैं। अगर आप लोग इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसमें क्लिक करके इसको ख़रीद सकते हैं। ये देखने में काफ़ी अच्छा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी छोटा शेप है इसका, पेनड्राइव जैसा है, तो आप इसको ईज़िली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इसमें आपको एक USB पिन मिल जाती है जिससे इसको पावर मिलती है। आप इसको किसी भी पावर सोर्स जैसे कि मोबाइल का अडेप्टर, उसमें आप लगा सकते हैं, या फिर किसी भी पावर बैंक में आप इसको लगा सकते हैं जिससे इसको पावर मिलती है। इसके बाद इसमें एक LED ब्लिंक होने लगती है जिससे पता चल जाता है कि ये ऑन हो गया है। इसमें आपको एक 3.5 mm का जैक मिलता है जिसमें आपके स्पीकर की 3.5 mm की केबल जाती है। ये सब करने के बाद आपको अपना फ़ोन लेना है और ब्लूटूथ ऑन करना है। फिर आपको कुछ डिवाइसेस मिल जाएंगी, उसमें से आपको इसका नाम देखना है, इसका नाम आपको बॉक्स के ऊपर मिल जाएगा, तो आपको उस नाम पे क्लिक करके इसको कनेक्ट कर लेना है, फिर आपकी डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको कोई भी सॉन्ग या फिर म्यूज़िक प्ले करना है, वो म्यूज़िक डायरेक्टली आपके स्पीकर्स में से प्ले होगी। इससे आपके स्पीकर्स कम्प्लीटली वायरलेस बन जाते हैं, क्योंकि म्यूज़िक जो है आपके डायरेक्टली ब्लूटूथ से प्ले हो रही है, तो इसमें कोई भी वायर का यूज़ नहीं हो रहा है। इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है, आपको 5 से 10 मीटर की रेंज यहाँ मिल जाएगी, तो आप अपने रूम में किसी भी जगह आराम से बैठ के म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी डील है, आपको एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं आगे भी ऐसे नए नए वीडियोज़ लाते रहूँगा, तब तक के लिए बाय।